नमस्ते दोस्तों, कल्पना की रसोई में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज में हम बनाने जा रहे हैं दाल वाला। तो देखिए, इतनी सुंदर बारिश हो रही है बाहर, खिड़की से आपको दिखाई दे रही होगी, शायद बारिश की आवाज़ भी आ रही हो। तो इतना सुंदर मौसम है, अगर हम इसमें ऐसे मौसम में अगर बढ़िया गर्मा गर्म राइस और उसके साथ में एकदम बढ़िया तड़के वाली दाल अगर खाते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और है। तो आइए देखते हैं कि ये बनाई कैसे जाती है। वो बताने से पहले, जैसे कि मैं दाल पालक के बारे में थोड़ा बता दूँ कि जैसे बच्चे हैं, बच्चे कभी भी हरी सब्जियां अगर आप उनके सामने परोसते हैं तो उसे खाने से मना कर देंगे, कहेंगे। तो ऐसे में अगर आप दाल में ही पालक को अगर डालकर पकाकर उन्हें खिलाते हैं तो वो पौष्टिक भी होगा, साथ ही साथ टेस्टी भी होगा। तो आप इसे कुछ फैंसी नाम दे दीजिए, दाल तड़का, दाल पालक कहेंगे तो शायद बच्चे पहले ये हो जाए कि अरे पता नहीं कैसी होगी दाल। पर शुरुआत में आप उन्हें इस डिश के लिए दाल तड़का है या कुछ ऐसा कहकर मम्मी लोग बच्चों को फुसला सकती हैं और उन्हें खिला सकती हैं। तो ये खाने में इतनी स्वादिष्ट होती है कि अगर बच्चे नहीं दोबारा मांगे तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे लिखकर बताइएगा। पर मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि बच्चे इसे ज़रूर पसंद करेंगे और इसे ज़रूर आपसे इसकी मांग करेंगे दोबारा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे बनाते हैं दाल पालक। तो आइए देखते हैं, पालक दाल बनाने के लिए हमें किस सामग्री की आवश्यकता है। एक कप हमने चने की दाल ले ली है, ये दाल कच्ची है, हम इसे भिगोकर भी रात भर रख सकते हैं और फिर हम इसकी दाल बना सकते हैं। ये एक कटोरी पालक, एक कटा हुआ टमाटर और ये मसाले हैं जैसे कि लहसुन, और ये हम तड़के में डालेंगे। अभी ये गरम मसाला है, एक छोटी चम्मच हल्दी और स्वादानुसार नमक। तो इतना साहित्य हमें चाहिए। फिर आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। आप देख सकते हैं दाल को मैंने धो लिया है अच्छे से और करीब कुकर में 1.5 गिलास पानी डालकर उसको चढ़ा दिया है। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे और साथ ही साथ हम इसमें कटा हुआ पालक भी डाल देंगे। तो ये एक साथ जब कुक हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसका होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अब हम इसमें मसाले डालेंगे जो हमने निकाल के रखे थे, हल्दी, गरम मसाला 1 छोटी चम्मच और स्वादानुसार नमक। तो ये सब हम इकट्ठे करके कुकर में इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे और इसमें हम सीटी लगा देंगे। फिर करीब दाल, आपको पता है जैसे चने की दाल पकने में बहुत समय लगता है तो हम थोड़े इसमें कम से कम 6-7-8 सीटियाँ लेंगे ताकि दाल अच्छी तरह से पक जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। गैस को हम मीडियम फ्लेम पर रखते हैं ताकि दाल अच्छे से अंदर से पक जाए। ये तड़के की सामग्री है जिसे मैंने तैयार कर लिया है। लहसुन को बारीक काट लिया है और ये जीरा है 1 छोटा चम्मच और 1 छोटा चम्मच हींग। तो जब हमारी दाल पक जाएगी तब हम उसमें ऊपर से इसे तड़का करेंगे। आप देख सकते हैं कुकर को मैंने खोला है तो इस तरीके की दाल तैयार हो गई है पककर, बहुत अच्छी। इसे हम मथानी से थोड़ा सा इसे मथ लेंगे ताकि ये सब पूरी एकजीव हो जाए, मिक्स हो जाए अच्छे से सारा मटेरियल। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने तड़के के लिए कटोरी गैस पर चढ़ा दी है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, देसी घी है ये 1 चम्मच। उसके बाद सबसे पहले हम इसमें लहसुन डाल देंगे, लहसुन जो हमने छील कर रखा हुआ था उसको हम इसमें डालेंगे और अच्छे से गुलाबी होने तक इसको पकाएंगे। आप देख रहे हैं अभी तो मैंने फ्लेम को थोड़ा तेजी रखा है ताकि लहसुन अच्छे से पक जाए। अब देखें लहसुन हमारा पकने लगा है बहुत अच्छे से। लहसुन जब थोड़ा पिंक कलर का हो जाए, गुलाबी रंग का हो जाए तो फिर हम इसमें जीरा और हींग ऐड कर देंगे तड़के में। थोड़ा सा लहसुन हमारा गुलाबी रंग का होना शुरू हो गया है तो अब हम इसमें जीरा और हींग भी डाल देंगे।
जीरा और हींग डाल दीजिए, इसे हम अच्छे से ऐड करेंगे। ये बाद में सारा तड़का हम दाल में डाल देंगे। ये देखिए तड़के ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है, लहसुन अच्छी तरह से पक गया है। और फिर इस तड़के को हम फ्लेम को हम बंद कर देते हैं गैस को, और फिर हम यहाँ पर सारा तड़का दाल में अच्छे से डाल देंगे। यही हो गई हमारी पालक वाली दाल, जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। ये देखिए इसमें हरी पालक भी नज़र आ रही है, और तड़के को मैं अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। बस अब इसे गरम गरम सर्व कीजिए।